हमारे काज से तो तू हम फोन देखेंगे फोन देखेंगे वाओ इतना क्यूट है ये फोन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सब कैसे हैं? मामा सुना भोजपुरी का मुझे इतना ही आता है। और इधर देखो एक मस्त चीज़, ये देखो एक बढ़िया सा डाबो है जो कि बड़ा हो चुका है और छोटे मोटे बहुत सारे हैं। और इस वाले पेड़ में डाब अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरे ने सारे हैं लाइव लेफ्ट साइड वाले में। इधर में एक ही हुआ है बड़ा सा, और बाकी छोटे मोटे जितने भी हैं वो तो है ही, और बड़े जितने थे वो नीचे गिर गए ऑटोमेटिकली। पेड़ से तोड़ते नहीं हैं हम, क्योंकि हम में से कोई भी पेड़ में चढ़ नहीं सकता, काफ़ी ऊँचा है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को बुला के ही पेड़ से तोड़ा लेते हैं, वैसे हम लोग नहीं चढ़ पाते। और कभी कभार ये नीचे ऑटोमेटिकली गिर जाता है नेचर के नियम से जैसे होता है। और ये वाला पेड़ मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस चीज़ का है, पत्ते बड़े बड़े से होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना कि ये वाला पेड़ कौन सा है। ये वाला पेड़ मुझे सच में नहीं पता कि कौन सा वाला पेड़ है। बेबी यहाँ पे मस्त बैठे बैठे कार्टून देख रहे हैं ट्रेन में कार ले जाते हुए। ये वाला कार, ये कौन सा कार है? ट्रैक्टर है। तो ये बस ये चीज़ों के बारे में सब पता है, कार के बारे में सब पता है, ट्रेन के बारे में सब पता है। और ये वाला, ये वाला तो हॉस्पिटल ले जाता है एम्बुलेंस। एक बार साउंड करके बताओ एम्बुलेंस का साउंड। वो हाथ से नहीं दिखाने से नहीं होगा, जोर से जोर से साउंड करो। लकड़ी को देखो, इसको मस्त छावा का जगह मिल चुका है। बेबी ऊपर में यहीं कहीं पे है, मैं निकलते टाइम मुझे देखा नहीं, तो मुझे देख लेता तो मैं बाहर जाने का जिद करता हूँ। तो मैं और सुपुदा भी बाहर निकल रहा हूँ। सुपुदा गया है थोड़ा सा पपाइदा के दुकान के पास में, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है उसको। उसके बाद हम दोनों जा रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद वो काम करने के लिए जो हम करने जाते हैं उस बाज़ार में, CDM में डिपोजिट। ये देखो ये भी आ गया और सुपुदा उधर है। चलो हम लोग निकलते हैं उस बाज़ार चलते हैं, पहले फिर घूमेंगे थोड़ा, काम पहले हो जाए। वापस आ चुका हूँ गाइस, और आते ही बेबी मिल चुका है। बेबी क्या चाहिए? डेयरी मिल्क। तो लेके आते हैं, बाबा दादा का दुकान खुला है कि नहीं देखते, अभी खुला होना चाहिए, 12:30 बज रहा है। हाँ इधर से भी दिख रहा है उधर खुला हुआ है। चलो जल्दी लेके आते हैं, उसके बाद इसको नहाना भी पड़ेगा क्योंकि इसको सर्दी हो चुका है टोटली, तो ज़्यादा लेट करना सही नहीं होगा, ठंडा लग जाएगा और ज़्यादा, और मुझे भी सर्दी हो चुकी है तो मुझे भी जल्दी नहाना है। पहले डेयरी मिल्क लेके आते उसके लिए बाबा दादा के पास से, फिर दोनों नहाएंगे एक साथ, ठीक है ना? दोनों एक साथ ना आएंगे ना, ठीक ठीक। फ़ोन टच ना आ चुका है फाइनली गाइस, डिलीवरी फ़ोन का जो कि जीजा जी का है, मेरा नहीं है। और फ्लिपकार्ट का तो अभी नया रूल हो चुका है, मतलब बहुत दिनों से, कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होगा। OTP लगा ना दादा? अपना नाम टा उसकी मानना। अच्छा अच्छा, ये तो चेकिंग एयर पॉड OTP लगा तो कॉल कर दीजिए। मैं की सेटिंग वहाँ पर है, मैं की से ओपन होगा, हम लोग फोन देख लेंगे एक बार। हाँ खोलो 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 अरे तुम्हें तो रोज ही दीते आज जो है चाप किया जाए। यहाँ चुका है फोन, अभी हाथ से गिर जाएगा तो बस खत्म। थ्री ज़ीरो नाइन ये वाला फ़ोन है पूरा, इसको निकालते हैं। मेरी फ़ोन चाहिए, पापा का फ़ोन है, चाहिए घर में चलो या टूट जाएगा।
दीको देखा गया। हाँ कौन जो लस्से फोन दर फोन दर ये टने तू बुझने का हमारे काज से तू बुझने हम फोन देखेंगे फोन देखेंगे। वाह इतना क्यूट है ये फोन। भाभी पहले भाभी भाभी ना तो मैं नहाने चलता हूँ, मेरा नहाना नहीं हुआ है। मैं तो ये डिलीवरी के लिए रुका हुआ था, डिलीवरी आ चुका है। अभी जजी को कॉल करके बता देते कि फोन आ चुका है और मैं चलता हूँ नहाने के लिए। गाइस अभी करीब 3:30 बजे के आसपास टाइम है। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो टाटा प्ले का कुछ यहाँ पे ऐड है। तो अगर चाहिए हो घर में लगाना है टाटा प्ले टाटा स्काई तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मुझे तो वो गाना याद आ रहा है जो नवरात्रि का गाना है ना, ये शुभारम्भ हो शुभारम्भ मंगल बेला सपनों की दहरी पे दिल की बाजी रस जलाई से। चलो कॉपीराइट बढ़ जाएगी। मैं थोड़ा सा अभी रेस्ट कर लेता हूँ, 3:30 बज रहा है अभी। तो शाम को मिलता है, शाम को जब कैफे वैफे खोलेंगे। आज मस्त, आज तो द्वादशी हो चुका है तो आज पूजा का रेस थोड़ा सा कम हो गया है, तो आज लोग आ सकते हैं ऐसा मेरा मानना है, मुझे लग रहा है। देखते हैं उस शाम को पता चलेगा। तो मैं जब तक रेस्ट करने थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर। टाइम इज़ अराउंड 6:30 टाइम होगा और इधर देखो कुछ दिख ही नहीं रहा बाइक आने की वजह से। अभी तक पैंडल नहीं खुला है दुर्गा पूजा का, और काली पूजा आने वाला है 10-12 दिन में, तो उसका भी पैंडल स्टार्ट हो जाएगा। हमारा गली तो यहाँ पे तो एक लाइट चाहिए ही चाहिए, जब देखो कितना अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं पहुँचते यहाँ तक। तो हमारा काम चल रहा है कुछ कैफ़े के अंदर अभी फ़िलहाल। मेरा थोड़ा सा काम था फिर फोटो एडिटिंग का मैंने कर दिया, और अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा और भी काम होगा शायद। मैंने बोल रहा था ना कि आज काम होने वाला है, क्योंकि आज 2 दिन कंप्लीट हो चुका है पूजा खत्म होने के बाद, आज द्वादशी चल रहा है। तो अभी काम करते हैं और फिलहाल आज के लिए इस ब्लॉग को करते ही एंड। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। शॉप देखा था नहीं अभी फोटो नहीं तो अच्छा ना को मेरा ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है जी, चारिदिक फोटो नहीं तो डान दिक बा दिक सब फोन टारो हाँ फोन पर।